वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट में एक नई भर्ती के साथ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड, जिस भर्ती के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो HQ नॉर्थन कमांड रिक्वायरमेंट 2018 में आई हुई है। और फ्रेंड्स, हम बात करते हैं, मैं सबसे पहले आपको बता दूं पोस्ट के बारे में। तो 90 पोस्ट इसमें रखी गई है, इनके 90 पोस्ट इसमें रखी गई है। पोस्ट फ्रेंड्स कितने प्रकार की है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको नई नई भर्तियों के नोटिफिकेशन जो है समय से मिलते रहें। फ्रेंड्स, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इस भर्ती का लिंक और डाउनलोड नोटिफिकेशन अप्लाई ऑनलाइन के लिए सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, डिटेल के पास चलते हैं। रिक्वायरमेंट बोर्ड नेम, यानी कि आपको मैं बता चुका हूँ, HQ वेस्टर्न एयर कमांड में भर्ती आई हुई है। टोटल पोस्ट 90 रखी गई है और 10 तरह की पोस्ट है। मैं आपको पोस्ट वाइज इसकी डिटेल्स बताता हूँ। लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए एक पोस्ट रखी गई है, सिविल मोटर के लिए 42 पोस्ट रखी गई है, व्हीकल मैक के लिए 2 पोस्ट रखी गई है और क्लीनर के लिए 3 पोस्ट रखी गई है। कैंप गार्ड के लिए, चौकीदार के लिए एक पोस्ट रखी गई है, सफाई वाला के लिए एक पोस्ट है, लेबर के लिए 13 पोस्ट है, फायरमैन के लिए 25 पोस्ट रखी गई है, कुक के लिए एक पोस्ट रखी गई है और लैब असिस्टेंट के लिए भी एक पोस्ट रखी गई है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स को एप्लीकेशन मोड की। तो एप्लीकेशन मोड इसका ऑफलाइन होगा, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जॉब कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, तो डिफेंस जो भी रखी गई है। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया की एबिलिटी से आप भर सकते हैं, और कोई अप्लाई के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट्स को अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, तो रिटन टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, या फिर आपका इंटरव्यू टेस्ट होगा, या फिर मेरिट बेस पर आपका चयन किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो 4 पोस्ट के लिए फायरमैन, कुक, लेबर, कैंप, चौकीदार, क्लीनर के 10वीं पास होना चाहिए। और बात करते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। 12वीं क्लास आपकी एजुकेशन होनी चाहिए तथा इंग्लिश में आपकी टाइपिंग 30 वर्ड प्रति मिनट कंप्यूटर पर होनी चाहिए। 4 पोस्ट सिविलियन मोटर के लिए आपके पास जो हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 ईयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना वो सॉरी 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10वीं क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 4 पोस्ट व्हीकल मैक के लिए भी आपको मैं बताता हूँ, 10वीं पास आपके पास होना चाहिए और कैपेबल आपकी नंबर ऑफ नेम जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास अपने ट्रेड में होना चाहिए। तो 4 पोस्ट सफाई वाला के लिए 10वीं क्लास आपको चाहिए तथा आपके पास जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आपके पास सफाई वाला में होना चाहिए। और लैब असिस्टेंट्स की बात करते हैं, तो उसमें भी आपके पास 10वीं क्लास की जो है आपको 10वीं क्लास होनी चाहिए तथा आपको लैब असिस्टेंट का 1 साल का वर्किंग का जो है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एज लिमिट के बारे में, तो LDC कुक सफाई वाला के लिए आप देख सकते हैं कितनों के लिए, यहाँ पर 3 के लिए है, 18 से 25, 18 से 28 और 18 से 30 नंबर वाइज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब बात करते हैं एज लिमिट फॉर सिविलियन मोटर ड्राइवर के लिए, तो 18 से 27, 18 से 30, 18 से 32 ईयर, यानी कि मैं आपको कैटेगरी वाइज ये बताइए किस कैटेगरी में कितनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं, तो कोई फीस इस भर्ती की नहीं रहेगी। एप्लीकेशन एड्रेस के बारे में बता दूँ, तो कमांडिंग ऑफिसर की ये तो एड्रेस होगा कमांडिंग ऑफिसर 5471 ASCBN MT अर्थवाइल 5121 ASCBN, यहाँ पर ये आप अपने फॉर्म पर इसको भर सकते हैं। ये आपका एड्रेस है जहाँ को आपको अपने फॉर्म को फिलअप कर कर भेजना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बता दूँ आपको, तो 17 फरवरी लास्ट डेट होगी। इंपॉर्टेंट लिंक की बात करते हैं, यानी कि आप इसके नोटिफिकेशन पर जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक किया, देखिए फ्रेंड्स ये इसका नोटिफिकेशन खुलकर आ गया है। जैसे मैंने वहाँ पर क्लिक किया और ये इसका नोटिफिकेशन जो है वो खुलकर आ गया है, आप देख सकते हैं। इसके नोटिफिकेशन के बारे में इसमें साइड डिटेल्स दी हुई है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। लेबर से लेकर असिस्टेंट तक जितनी भी प्रकार की पोस्ट है उसके लिए सब कुछ इसमें दिया हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें तथा अच्छी तरह से इस फॉर्म को भरकर अपने फॉर्म को फिलअप करें। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार का आपको जो है ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिलअप करना होगा और फिलअप करने के बाद ही आपको अपने फॉर्म को भरना होगा। तो फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, तभी इस फॉर्म को भरें, अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़कर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।